1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए समना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लाखौर पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। देखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। माफ कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बट जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह, मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आपकी पोजिशन पर।
खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोपटे और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह पता है, हिंदुस्तानियों के खिलाफ पता है। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है गुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। नहीं सर, सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि आमना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनगाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से हजार हो जाएंगे। वो 5,000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो मेहमद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वो जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली। महमदुल्लाह अपनी जुबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन कस्से का महमूद अल्लाह। जो बच्चों घर इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर, उसमें चाहे
यात्री का नाम है सामना और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सर आपकी लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था सवाल लाख से एक लड़ावा, तरह गोविंद सिंह के नाम को आवा दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000 36 रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलो, of course, चांस है। साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements clear, headquarters ने मना कर दिया है, what can we do? साहिब मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी, 6 महीने पहले बताया ना। अरे राव बेटा सिंह, कम ऑन, डोंट बी शाय आउट चैप, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लोजर क्लोजर, come on, a bit closer, a bit more closer, that's perfect. So tum apne senior officer ke hukm mana kar rahe ho? Wo baat nahi sir, mujhe jaane do, main 2 hafton mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na, aap afsar log bhi to jaate ho chuti par, pichle mahine aap hi to gaye the na. अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप, बुल्टा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Bhuta! Apologize! Kamala Naman, Mahi Mangala. Ek! Tin! बच कर रहना।
थो। अरे तन लगी तनी राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बूटा सिंह जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो वीरे ठीक है तू? ठीक है बस। बौजी ना मिल, बौजी ना मिल। क्या होना है पुत्र, चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। कैसी सुनी? इशर है पुत्र, आ जा बह के कट्ठे रोटी खाने। इशर है पुत्र, आ जा बह के कट्ठे रोटी खाने। Thank you.
ਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਬਾਪੂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। याद में सिपाही का खून जाता है। मां सुने टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
Sir. Thank you, Chancellor. Sir. It's very tasty. It's our Miliga. Bilkul, sir. Thank you. Sir. सब गुलिस्ता के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद आपके अर्दली के पास रखवा दिया। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अक्साय वापस जिंदा ना लौटे। नहीं लौटेंगे साहब। इस बार ही 1,000 आए थे, अगली बार 2,000 आएंगे, फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह। अगली बार और अक्साय 200 की नहीं 2,000 की तैयारी करेंगे। और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को। हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके, एक ऐसी तरकीब जिसे औरकज़ाई टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके। इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर, वी हैव अ लॉट एट स्टेक। यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर। कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी, चल नीचे आ। कारतूस के बिना बंदूक किस काम की, ये तुसी रख लो। पहला फिर दे दे मेरे को, तुसी रख लो। इसी आप रोटी नहीं खा रहे? तू खा भी रहे, मैं बाज खाना है। इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया। राजी। हाँ जी। दुश्मन की फौज मुझे 1,000 में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी शेरपाज को देना पड़ेगा। दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2,000 बंदे। दो झंडे? मतलब 4,000 12,000 बंदा है हमारे सामने। कब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है।
शेरपा जी, ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। जल्दी कर। और 2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh. Haan ji, bhaji. Hamari dono post par sandesh bhejne hain. Panch hazar ke do daste aa rahe hain. Hamla jaldi hone wala hai. पीछे पीछे हो गया भाजी। चंगा hold on for 6 hours. Tell Isha to abandon it will. Ajay, Gulista se sandesh aa raha hai. साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है, पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। चलो रवड़ी, मेरा दस्ता तैयार है। पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब रिंग को ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी, पाजी एक काम कर,
वहां से? जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसको। जी जनाब। पेशावर से बरतानिया फौज का पैगाम आवे, 4,000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए। गोविस्तान सारागिरी और लौकर की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहा था, उसने 1,000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं बादशाह, पर खुदा का मेरा हमारे साथ है। मैं बोला दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या? फिर और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारे लीडर, ताकि गुलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। ओए सोना, ओए बाकी 10 तो पे पैगाम भेज दो। गुलबाशा ने वापस बुलाया है, हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलबाशा ने वापस बुलाया है, वापस जाओ। जनाब, गुलबाशा ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है? चलो घोड़ों को वापस लाओ। बोला ते पाना ये यो ना कद ते किरा अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो इस कुल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्ता जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुल बादशाह, आजा।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। Is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigami? But why is Gulatek in Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Will be there as soon as possible. When Hawking got SOS major, Sarah Gary commanded his alert. Joseph Ickes. मेजर साहब का संदेश है साहब, सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। Send a message to Ishar Singh. Leave Sarigami immediately. जी साहब। छोड़ दो। ईश्वर पाजी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो। लिख के हमारे पास तरकीब है, जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं। हम पे भरोसा रखे, ये भी लिखो। हर पोस्ट की जिम्मेदारी जरूरी है, ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर पोस्ट की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुकआउट पे औरतें और बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है।
अजय इनका वापस संदेश आया है, वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं। और क्या? और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जो आप भेज लोखाट को भेज की अपनी पोस्ट की सुरक्षा करे। ठीक है भाजी। कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी, पर पाजी, हाँ, इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। ओए काके, ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेने देना। ओए हमें के शेरी बड़े काफी हैं इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस संदेश आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। और तैयार हो जा सारे फौजी, जल्दी। भैया, यहां से किसी फौजी दस्ते को जाते देखे? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। छब्बीस से गिरा जी बैठ, सब लोग अपनी पोजीशन पर। जी साहब, प्लान का अगला कदम उठाने के लिए तैयार। रब रखा, रब रखा। चलो 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 चलो। बंदूक पाजी, रब रखा। और रब रखा। और अपनी तरकीब काम कर गई।
थक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था मैं मदरगा। हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे और उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे। पोजीशन बदलते रहो और ऐसा को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूक है बंदूक क्या चला रहे हैं। तैयार एक दो रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुपकर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि टीम पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है, लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। मैंने कुछ करने का मौका नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे।
What's happening in Saragadi? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kul has been quiet for some time. Kulip Singh! He's up! Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tanat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlo ki wajah se kam nahi karegi. Yes, sir. Sam Singh, ab putle khade kar de sare. Kurmukh, kuch hua kya? Kuch nahi ho raha, paaji. जिसका डर था हरे बंदे सारे आने दो पोजीशन ले ले अपनी दद्दू सारा समान ले आओ वो नीचे है तो कोई उसको ऊपर बुला ले बुलाओ दद्दू गोली दे दे गोलियां दुश्मन सारा गढ़ी की तरफ कई तो और पूरी फौज के साथ आगे बढ़ रहा साहब कलासे टेलीग्राफ की क्या खबर कोई संदेश नहीं है साहब क्योंकि आसमान साफ नहीं है मैं तू भी जा एक भी बंदे की नजर हटनी नहीं चाहिए जल्दी बताओ पोजीशन पर तो खड़े करना क्या आगे हुक्म करो अब बता कौन करके आगे रखो ध्यान अपना आप बस हाँ करो भाजी एक एक गोली पर दुश्मन का नाम लिखा इन सबकी कमर ठोक देंगे आज ना एक भी बंदा को लेनी जब तक पेशावर का दस्ता नजर आने लगा है साहब किस तरफ साहब दक्षिण की तरफ से ट्रूप्स के बारे में 3 घंटे और लगेंगे सेंड अ मैसेज जी साहब
पाकिस्तान से, बस 3 घंटे और दस्ता पहुंच जाएगा, बस 3 घंटे। और ये हुई ना कुछ कमरे में, भाई दूसरे आते हमारे जाए घाट पे कवर करता है। सुपा जी अभी करता हूँ, अब बस 3 घंटे और है। पेशावर से निकला हुआ दस्ता अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में पहुंच जाएगा। किसी भी फौजी को अपनी जगह सहने लगी मोहलत मत देना, जो सर बाहर निकाले वो हमारे निशाने में होना चाहिए। सबसे बाद उसी पे सलाह शहीद हो गया। ये मेरा बात मेरे भतीजा। Yeah, go, yeah.
हमारे एक सिपाही की जान। हमने कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा तीन हजार बंदा उनका खत्म कर दिया। तो किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? तो मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहां पर वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है? कौन है कोई? मुझे हमारे मन में मौत का खौफ हो ना तो रहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है। कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में बाजी बह रहा है कोई? नहीं बाजी। और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती, न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है। जंग हिम्मत से जीती जाती है, हौसले से जीती जाती है, ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। और ये जो बंदा है ना कुल बादशाह, इसके इरादे नापाक हैं। तुम्हारी जमीन पर पाँव रखकर रोकना चाहता है ये उसे। बस बच्चों और औरतों के कत्ल करेंगे। कोई तो पहुंचते हमारे पास लगाट ते गुलिस्ता टीवी साहब रहते हैं लगाट में नेम सब, और हमको कैसे मारना है मुझे अपने बच्चों की तरह। हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है उन्हें तक दुश्मन को पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। कोई सवाल से कोई शक? ये जो सांस है ना मारी नहीं है, सच्चे बादशाह की है। ये जिंदगी मारी नहीं है, कैसी चली गई एक चली गई। कोई मैसेज सारागढ़ी से? नहीं सर। इसका मतलब सारागढ़ी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है। डैमिट, have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? Then who is doing the firing? Stop. Hum dusri paltan lekar saragari jayenge. Balwinder, tum bhi saath chalo. जी साहब। सारागढ़ी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं साहब। कला सिंह, तुम हर वक्त यही रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना। जी साहब, मैं यही मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर, तुम दूसरी दस्ती को मिजली तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुगरू से नहीं है और गांधे से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहार से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले
हिंदुस्तान हमारा है। Thank you.
से खून पसीने से तो सारा गरीब सींचा सारे गरीब थे गए हिंदुस्तान और अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह ये हिंदुस्तान मेरे साथ फिर में मिलने वाला है सिमर बाबू आप क्यों परेशान आप चिंता मत करो फौजी दस्ता आ ही रहा सब ठीक हो जाएगा आई एम मिसिंग हीरा सिंह नाउ आई विल नेवर गेट टू सी हिम उठा मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा काश मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता वो ही अकेला नहीं बाकी सब भी मेरे भाई हैं आज उन सब की याद आ रही है सारा गाड़ी भाई साहब आधे मील की दूरी पर है चलो जल्दी तो दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता इशर भाई जी अपना फौजी रास्ता मत पहुंचने वाले इनकी सपोर्ट फॉर ईच अदर क्या हुआ है ईश्वर सिंह ये दर गया तुम्हारा गुरूर है जीवा तो ठीक है ठीक हूँ मैं ये दस्ताल को बचा नहीं पाया बाकी है जीवा सच से भी कम है अरे कोले भी छोड़े आपके और थोड़े मेरे आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गया अलग रहियो करा अगर स्नान जरूर करवा देगा ये शहादत भी किसी किसी खुशनसीब को नसीब होती है ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गया इन्हें छोड़ू तो नहीं मैं ईश्वर सिंह बादशाह से हार बादशाह अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी मेरी को जाएंगे संदेश आना शुरू हो गया है ओ पाजी बताओ मैंने भाई गुरु क्या संदेश भेज रहे छह शून्य अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची मेहर करूं वाहे गुरु मेरे मालिक
चलो मेरे साथ। क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काले सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कर्मों की एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहिगुरु, मेहर कर, मेहर करो सब पर। मेरे जवानों, नारायण राम तो तू अब हम 36 रेजिमेंट के सिर पर ठेसल फरोश बचे हैं। वो अब तक याद हो कम करने वाला सिर्फ मैं था, मलदार ईश्वर सिंह। लेकिन अब तुम सब अफसर हो। हुकुम देने वाला कोई है? हिदायत लेने वाला? दुश्मन हजारों की तादाद में हमारे सामने। और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना परचम याद लाने नहीं देंगे। गुलबादशाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
मर्जी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यारी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ठीक है राजा जी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रखकर सब सब जाऊंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहने में साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। हमको लगा सारा के लिए धन जब कम से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। और बादशाह तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी।
ये सारागिरी तेरे लिए हिंदुस्तान है, पर अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान तेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। हवादार ईश्वर सिंह सिंह, ये तर गया तुम्हारा गुरूर है, हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गया, ईश्वर सिंह सारा के लिए हार गया, ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेबी को देंगे।
मौत से नहीं डरता। गुल बच्चा इसको आप तो बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। शेर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है और मैं तेरे सामने खड़ा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सलागरी हमारी है। अल्लाह अल्लाह ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करें। सही
उसकी आंखें मार देंगे। और बेटा ऐसे ना, खड़ा। Let's go inside.